जिला लखीमपुर खीरी के ब्लॉक बागेगंज के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सुआबोध के अंतर्गत आने वाले ग्राम देवीपुर निवासी प्रधान पद के उम्मीदवार राजेंद्र पर इसी गांव के दूसरे प्रधान पद के उम्मीदवार ने अपने समर्थकों से राजेंद्र पर कुछ ग्रामीणों ने आवास दिलाने के एवज में अवैध वसूली और जीत जाने पर 2 एकड़ जमीन का पट्टा देकर बरगलाने का आरोप लगाया है। जब न्यूज चैनल की टीम ने देवीपुर गांव में पहुंचकर इस संबंध में ग्रामीण से राजेंद्र के बारे में जानने का प्रयास किया तो इस संबंध में गांव के लोगों ने बताया, प्रधान पद के उम्मीदवार राजेंद्र इस तरह का व्यक्ति नहीं है तथा किसी को बरगलाने की इस बात की कोई उसके सामने नहीं की गई है। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि राजेंद्र पर लगाए गए सारे आरोप निराधार झूठे हैं। दूसरे प्रधान प्रत्याशी द्वारा सिर्फ बदनाम करने की साजिश रचकर चुनावी समर को पार करने की सोची समझी चाल है तथा इस संबंध में जब प्रत्याशी राजेंद्र से बात की तो उसने बताया, ये दूसरे प्रधान प्रत्याशी द्वारा मुझे बदनाम करने की साजिश है। चाहे कोई भी मेरे गांव आकर मेरे बारे में जांच पड़ताल कर सकता है। दूसरे प्रत्याशी ने जो आरोप मुझ पर लगाए हैं वे सरासर निराधार और झूठे हैं। कहां के रहने वाले हो? क्या आप राजेंद्र को जानते हो? कैसे आदमी है ये? इन पर जो ये आरोप लग रहे हैं कि पट्टा करवा देंगे और लोग बता रहे हैं कि 2,000 रुपए वसूले हैं, ये क्या बात सही है क्या? ये सब गलत है सर। क्यों? पूरा गांव इनके तरफ सहमत है, इनकी सीट प्रधानी लग रही है, इनकी सीट क्लियर हो रही है। अच्छा, ये दूसरों को कैसे लेकर मतलब इन पर ये सब आरोप लगा रहे हैं? पूरे गांव में चल के किसी से पूछ लीजिए क्या इनका समस्या क्या है क्या नहीं। कहाँ के रहने वाले हो आप? एक खबर आपके नाम से वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि तुमने कुछ लोगों से 2,000 रुपए आवास के नाम पर वसूले हैं, ये क्या मामला है पूरा? अरे सर, हम इलेक्शन कर रहे हैं इसीलिए हमें लोग बदनाम करना चाहते हैं। वार्ड नंबर में हम मेंबर थे इसीलिए अब हम इलेक्शन लड़ रहे हैं प्रधानी का, इसलिए वो लोग नाराज हैं इसलिए बदनाम करना चाहते हैं। तो इसके पीछे इसका मतलब ये है जो विपक्षी पार्टी है उसका साथ उसी साजिश है? हाँ जी, विपक्षियों का पूरा साथ है और विपक्षी जो हैं जो लोग हम पर नाराज रहते थे वही लोग ये कर रहे हैं। नहीं, जो आरोप लगा रहे तुम्हारे ऊपर, हमारे पर आरोप लगा रहे हैं। किस किस तरह का आरोप लगा रहे हैं? ये लगा रहे हैं कि आपने यानी 2,000 रुपए वसूले हैं। हाँ। और जो है ये ऐसे वोट मांग रहे हैं कि जो है आप पट्टा बनवा देंगे। हाँ। यानी लोग लालच दे रहे हैं। हाँ। ऐसे आरोप दुनिया भर के आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं कि हम तुम्हें फंसवा देंगे, इलेक्शन से पहले तुम्हें जेल भिजवा देंगे। हाँ। ये सब आरोप लगा रहे हैं, हमें धमकाते भी हैं ये लोग। अच्छा, हम तुम्हें फंसा देंगे, रेप में फंसवा देंगे, जेल कटवा देंगे आपको। कितने लोग हैं ऐसे? ये जो है यानी का नाम गुड्डू। हाँ। और जो है दशरथ। हाँ। उनकी बाइक, ये सब हमें भगवाना चाहते हैं। क्या ये लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं क्या? नहीं, ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये किसी विपक्षियों के जो है। हाँ। चुंगल से हैं और हमारे बदनाम करना चाहते हैं। यानी जो आरोप आप पे लगाए गए हैं वो सब झूठ हैं सर और निराधार हैं? निराधार हैं सर। हाँ। है चाहे हमसे जो है कई बार पूछा जाए, हम सेफ आदमी हैं सर, हम ईमानदार आदमी हैं, हम किसी का भला सोचते हैं, बुरा नहीं सोचते हैं। अगर वो जांच कार्रवाई आती है तो उसके लिए फिर क्या है? जांच की जाए सर, गांव वाले जो है उनसे पूछा जाए किस टाइप से ये हैं, किस टाइप से नहीं है, गलत हैं या सही।